भी मैं जहाँ इलेक्शन अभी चालू था, एनएल कॉलेज के बाजू में मैं टेबल के ऊपर बैठी थी, तो मुझे 8:30 बजे को खबर मिली। विंध्याचल बिल्डिंग से हमारे पहचान वाले लोगों ने मुझे बोला कि मैडम नाले में एक लड़का की बॉडी मिली करके। तो हम तुरंत वहाँ से भागे, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया। हम गए तो पुलिस का वैन वहाँ से ऑलरेडी पहुँची थी। इंक्वायरी किया तो उसकी माँ और भाई वगैरह सब रिक्शा में रो रहे थे। तो हमने पूछा भाई क्या हुआ, तो बोले कल दोपहर से ही 3 बजे से बच्चा मिल नहीं रहा था। वो और उनके दोस्त तीनों में ऐसे एक्सेसिव पास हुए होंगे, कहाँ घूमने के लिए निकले होंगे, कुछ मुझे भी कोई पूरी तरह से नहीं मालूम है। लेकिन लड़के को मैं अच्छी तरह से पहचानती थी, मेरा वार्ड का ही लड़का है, मेरे साथ में हमारे कैंपेन में वगैरह भी बताया जा आते रहा है थे पूरा कि तरह। बीएमसी का कुछ खड्डा था, आरोप लग रहा है इसमें, नहीं क्या नहीं है? कोई बीएमसी का खड्डा नहीं था उधर, कोई बीएमसी का कोई लेना देने, कलेक्टर का लैंड था उधर, अवैध तो भरणी का काम कुछ नहीं किया हुआ है उधर। और वो वहाँ हमारा नाला आपने देखा होगा उधर जाके साइड पे, तो हमारा विंध्याचल बिल्डिंग के सामने ही उधर तक ही महापालिका ख़त्म हो जाती है। उधर कुछ भी आगे ना रोड है ना और कुछ भी है, तो अपना कोई नाला वगैरह कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो जवाबदार कौन हो सकता है इसकी मौत का, वो अवैध भरने वाला या कुछ और? अवैध भरनी वाला ही है, हमारा FIR है उसके विरुद्ध। अभी रिसेंटली हमने एक 1.5 महीना हुआ होगा, तभी भी वो भरनी करने वाले के ऊपर वो कोई अच्छा कुछ 84 या करके आदमी है, FIR लेने को बोला है। हमारा लॉरी भी पकड़ के दिया था हमने वहाँ, अभी भी पुलिस स्टेशन में हमारा एक नहीं 2 बार FIR किया था। अवैध तो भर्ती करने वाला का ही सब कुछ काम है वहाँ, वही सब हरकतें करते रहते मोमेंट वहाँ। अभी भी मेरे को बहुत टाइम मालूम पड़ा कि इतना होने के बावजूद भी वहाँ अवैध तो भरनी चालू हुई है पूरा। आपने देखा होगा कि बहुत ढीले ढीले सब लगे हुए हैं हर जगह पे, कचरा भी फेंकते हैं, ढीला भी फेंकते हैं सब उधर करके।